वहीं सिद्धार्थनगर में बारिश न होने के कारण मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दुआएं मांगी। फारान पब्लिक स्कूल के कैंपस में मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और नमाज अदा की। मौलाना शकील अहमद ने बताया कि धरती पर जब गुनाह बढ़ जाता है तो ईश्वर की तरफ से प्राकृतिक आपदाएं आनी शुरू हो जाती हैं। को अल्लाह ही से मांगनी चाहिए और रहमत की बारिश का तलब भी हमें अल्लाह ही से करना चाहिए। इसी मकसद से हम लोग यहाँ सब इकट्ठा हुए और सब लोगों ने तौबा इस्तिगफार किया, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और अल्लाह से रो करके गुनाहों की माफ़ी मांगने के साथ साथ बारिश के लिए दुआएं की। उम्मीद है कि अल्लाह हम सब के गुनाहों पर रहम फरमाएगा, हम सबकी दुआओं को कबूल करेगा और अपनी रहमत की बरकत करेगा। इस तरह के हर जगह इस तरह के बारिश ना हो तो हमें ऐसे मौके पर अल्लाह से दुआएं करनी चाहिए।